हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर एंड थर्ड सेमेस्टर एग्जाम डेट से रिलेटेड महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पीएनपी सचिव से प्रमोट मुद्दे पर जब वार्ता हुआ तो उन्होंने क्या हुआ। और फ्रेंड्स, मैं आप सभी को बता दूं कि जब तक आप सभी आवाज़ नहीं उठाओगे तब तक जो पीएनपी है कभी भी सही ढंग से काम नहीं। आप कह सकते हो कि जो पीएनपी है वो चाहती है कि आप आगामी भर्ती में शामिल ना हो। और फ्रेंड्स, इसके लिए आप चाहते हो कि आप आगामी भर्ती जो आने वाली है, क्योंकि अगर आप डीएलएड ये सब कुछ करके आप पूरा डिग्री रख के क्या करोगे जब आप भर्ती में शामिल ही नहीं हो पाओगे, तो कोई फ़ायदा नहीं है। और सत्र जो है आपका बहुत ज़्यादा मतलब लेट हो चुका है। और फ्रेंड्स, इसके लिए आपको आवाज़ अब उठाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो फ्रेंड, चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। और देखिए फ्रेंड्स, कोई भी इन्फॉर्मेशन आता है डीएलएड से रिलेटेड तो हम आप सभी को इस चैनल के माध्यम से प्लस जितने भी क्लासेस है इस चैनल के माध्यम से आप सभी को प्रोवाइड करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप सभी को कल, अगर आपने ट्वीट किया होगा, हमने भी ट्वीट किया था, ठीक है, अगर आपने ट्रेंडिंग पे देखा होगा तो यहाँ पे देखिए आपका 26 नंबर पे, अगर आप सभी का सहयोग हो तो जल्द ही मतलब कि फर्स्ट सेकंड पे आ सकता है। आप देख सकते हो कल बहुत सारे प्रशिक्षकों ने डीएलएड प्रमोट के लिए ट्वीट किया और आप देख सकते हो ट्रेंडिंग में 26 नंबर पे आ गया। अभी मैं कल देखी थी, ठीक है। अभी आपको भी ये काम करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट कीजिए, क्योंकि आप सभी अपना बात पूरे शासन तक पहुँचाइए। सभी को हैशटैग कीजिए योगी आदित्यनाथ, ठीक है, जितने भी हैं आप हैशटैग करके अपना मैसेज पहुँचाइए ताकि आप सभी जो आवाज़ उठा रहे हो उनमें सफलता है। क्योंकि जब तक यूनिटी नहीं रहेगी तब तक कोई भी वर्क कह सकते हो कि सफलता उसमें नहीं मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स, आप प्लीज़ अगर आप ट्वीट नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ आप ट्वीट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो शेयर कीजिए। और जो भी आप ट्वीट कर रहे हो उसके माध्यम से आप अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो आपका प्रमोट मुद्दा है उसमें आप सभी को सफलता मिल सके। फ्रेंड, जैसे कि मैं आप सभी को बता दूं कि जैसे कि कल एक कटिंग हम लोगों ने देखा था, ठीक है, वो कटिंग ये था, ठीक है, जिसमें ये बोला गया था कि प्रशिक्षकों को प्रमोट करने का प्रस्ताव भेजेगा परीक्षा नियामक कार्यालय। तो फ्रेंड देखिए, जब जैसे कि जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं अभिषेक जी, ठीक है, उन्होंने कल मतलब कि पीएनपी से वार्ता किया तो उन्होंने कहा कि हम अभी मतलब कि जो परीक्षा नियामक कार्यालय है वहाँ पे जो हमारा प्रमोट का जो मुद्दा है अभी वहां तक नहीं भेजा गया है। आप सोच सकते हो कि जो पीएनपी है वो यही चाहती है कि आप आगामी भर्ती में शामिल ना हो, ठीक है। वैसे ही आप देख सकते हो जितनी भी भर्ती है वो रुकी हुई है। और अभी आप देख सकते हो कि मैं अगर आपको बताऊं कि अभी आपका फर्स्ट सेमेस्टर एंड थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम भी नहीं हुआ, तब तक वो चाहती है कि 2020 में बच्चों का प्रशिक्षकों का एडमिशन लिया जाए और उनका भी पूरा आप कह सकते हो कि उनका भी जो भविष्य है वो अंधकार में हो जाए। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हो कि आपका भविष्य उज्जवल हो तो फ्रेंड्स आप सभी को ये वर्क तो करना ही पड़ेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा जो ट्विटर अभियान है, अभी फ्रेंड्स अभी आप सभी को मैं दिखाऊं तो अभी ईमेल के माध्यम से ये भी इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है। जैसे आप देख सकते हो कि डीएलएड संयुक्त प्रशिक्षु मोर्चा उत्तर प्रदेश 2019 रजिस्टर के प्रदेश अध्यक्ष रविकांत द्विवेदी की अध्यक्षता में तथा प्रदेश सचिव शिवांग पांडे एवं प्रदेश महामंत्री चिरंजीवी त्रिपाठी के संचालन में प्रदेश के समस्त प्रशिक्षुओं द्वारा एक ईमेल महाज्ञापन अभियान चलाया गया है, ठीक है। और इसके द्वारा प्रशिक्षु अपनी मांगों प्रथम सेमेस्टर परीक्षा को प्रमोट किया जाए तथा द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा यथा शीघ्र करवाए जाने के संबंध में ईमेल को सीधे निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद एवं सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी के ईमेल के माध्यम से प्रेषित किए हैं। इस क्रम में गोरखपुर मंडल के देवरिया जिला कार्यकारिणी द्वारा भी इस अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लिया गया है। और देवरिया से गोरखपुर मंडल अध्यक्ष सुमित सिंह यादव एवं देवरिया जिला अध्यक्ष संजीत यादव के नेतृत्व में प्रशिक्षुओं द्वारा अपनी मांगों को लेकर इस महाअभियान में पूर्ण रूप से बढ़ चढ़कर सहभागिता की गई है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो आप भी जिस डिस्ट्रिक्ट में हो वहां से आप अपना आवाज जो भी जैसे कि बड़े बड़े जो प्रदेश अध्यक्ष होते हैं, नेता होते हैं, उनसे आप वार्ता कीजिए और जो भी आपकी मांग है उसको
पीएनपी तक पहुंचाना है और उसको कहना है कि ऐसी स्थिति में, क्योंकि फ्रेंड्स अगर हम बात करें कि अगर ऐसी स्थिति में, चलिए हम एग्जाम से नहीं डरते हैं, ठीक है, एग्जाम से कोई भी नहीं डरता है, कोई भी प्रशिक्षु नहीं डरता है, बट ऐसी स्थिति में अगर एग्जाम करवाए, अगर उसमें से कोई प्रशिक्षु उसमें से कोरोना पॉजिटिव हो जाएगा तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? अगर वो कहते हैं, अगर सरकार कहती है या पीएनपी सचिव कहती है कि हाँ हम इसके जिम्मेदार हैं, तो चलिए हम ठीक है पेपर दे देते हैं, बट बहुत ज़्यादा अफसोस व्यक्ति ऐसी स्थिति में, अभी आप देख रहे हो कि डेली कितने ज़्यादा कोरोना पेशेंट्स आ रहे हैं, तो इसलिए ऐसी स्थिति में सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि जो एग्ज़ाम है इसको प्रमोट कर दिया जाए और जो भी आगामी भर्ती आए उसमें आप शामिल हो सके और जो सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम है उसको जल्द से जल्द कराया जाए। चलिए फ्रेंड्स, अभी मैं आप सभी को वो वार्ता भी सुनाऊंगी, आप अच्छे से सुन लीजिएगा, ठीक है? तो चलिए आप वो वार्ता सुन लीजिए, ठीक है? और फ्रेंड्स, मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप भी अपना आवाज़ उठाइए और ट्विटर के माध्यम से ज़्यादा ट्वीट कीजिए। फ्रेंड देखिए, यहाँ पे ये कमेंट्स आता है कि हम ट्विटर कैसे करें, ट्विटर करने का क्या मतलब? तो फ्रेंड देखिए, मैं आप सभी को जो ट्विटर का लिंक है, ठीक है, आप सभी केवल केवल रिट्वीट कर सकते हो, मैं लिंक कमेंट्स बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से सिंपल रिट्वीट ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। तो फ्रेंड चलिए वो आप वार्ता सुन लीजिए एक बारी। प्रमोट प्रमोट मुद्दे के लिए लगातार टीम प्रयास कर रही है और काम भी हो रहा, आप लोग को भी पता है। तो आज जैसा कि हम पहले, सबसे पहले हम टीम को धन्यवाद देंगे, हमारे टीम के जो भी सदस्य हैं, चाहे प्रदेश स्तर के हों चाहे जिला स्तर के हों, सब सक्रिय हैं और सब अपना वर्क बहुत बखूबी निभा रहे हैं। और आज जैसा कि सुबह पेपर में एक कटिंग आई थी, सचिव जी पीएनपी प्रस्ताव भेज दिए शासन के लिए, तो उस कटिंग में जो आया था तो हर जगह वायरल हो रहा था, तो उस कटिंग को मैं देखा और सब लोग भी देखे होंगे, आप भी देखे होंगे। तो अभी शाम को मैं सचिव जी से बात किया हूँ, सचिव जी से बात करने के अनुसार ये पता चला है कि अभी ये प्रस्ताव नहीं भेजे हैं, पेपर में निकल गया है लेकिन प्रस्ताव नहीं भेजे हैं, पेपर में निकलने के बाद प्रस्ताव नहीं। इसके लिए हम लोग ये न मान लें कि अभी हम प्रमोट मुद्दे पे जीत गए हैं, प्रमोट मुद्दे पे जीतने के लिए लगातार संघर्ष करना पड़ेगा। अभियान हमारे साथियों चलाते आए हैं और उसके बाद ट्विटर अभियान हो गया, जी मेल हुआ और हमारे संगठन से प्रदेश संयोजक जी राज्यपाल को लेटर लिखे थे विक्रांत प्रताप सिंह, और विशु यादव जी कल R9 टीवी पे मतलब शासन तक बात पहुंचाए थे, लगातार प्रयास किया जा रहा। तो इसमें आप लोग भी साथ दीजिए, साथ मतलब देने की ये मतलब आप अपने मतलब COVID-19 महामारी फैली है आप भी जानते हैं, तो उस जिले में जैसे कोई वहां का विधायक हुआ, सांसद हुआ, आप देख लोकल है, लोकल होने के नाते विधायक सांसद से आप अच्छे से उनको जानते होंगे, जानने से ये है आप उनको ज्ञापन दीजिए, बताइए कि सर हर मतलब हर चीज को प्रमोट किया जा रहा है, BTC क्यों नहीं किया जाए, DLED क्यों नहीं किया जा रहा है, तो उनको ज्ञापन दीजिए। ज्ञापन देने के बाद उनसे निवेदन करिए कि सर आप मेरा ज्ञापन शासन स्तर तक भेजिए, उनके लेटर पैड से भेजवाइए, जब उनके लेटर पैड से आप भेजवाएंगे ज्यादा प्रभावशाली होगा। और सभी साथियों को धन्यवाद जो भी जुड़े हैं, सौरभ पांडे जी महामंत्री धन्यवाद, टीचिंग के लिए सभी लोग अपने डायट में बात कर लीजिए, इस समय टीचिंग लग रही है और टीचिंग बात करके लगवा लीजिए, जैसा कि औपचारिक सत्र 5 जुलाई 2020 को हम लोग का पूरा हो गया, तो अब केवल हम लोग को पेपर कराना है और उम्मीद है कि थर्ड सेमेस्टर प्रमोट होगा। आयुष भैया धन्यवाद, 14 वर्ष से हैं, बस केवल भरोसा रखिए संगठन पे और जीत मिलेगी। आप पुराने ही जुड़े होंगे संगठन से, सारी चीजें आपको पता होगी, ये सेमेस्टर एग्जाम हुआ, स्कॉलरशिप मुद्दा हुआ, लगातार संगठन अपने स्तर प्रयासरत किया है, बस्ती से हमारे बड़े भैया सुनी सिंह जुड़े हैं, धन्यवाद। टीम का मतलब 100% वर्क है, कोई जिला अध्यक्ष हुआ, प्रदेश स्तर का नेता हुआ, मतलब लगातार कार्य कर रहा है। हमारे लखनऊ से नीलम शर्मा जी SCRT जाके ज्ञापन दिए हैं और उसका ज्ञापन PNP फॉरवर्ड किया गया, लेकिन PNP वाले सुनते नहीं है, PNP तानाशाह होती है। हमारे अग्रज भाई भी 15 बैच के जितने थे संघर्ष करके भर्ती में शामिल हुए हैं, तो आप लोग को भी अपने हक के लिए आगे आना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए, PNP ऐसे कुछ देने वाला नहीं है जब तक आप लोग उसके लिए प्रयास नहीं करेंगे। PNP चाहता है कि आप आगामी भर्ती से बाहर हों,
इसके लिए आपको संघर्ष करने पड़ेगा। हम मानते हैं आप लोग पढ़ते हैं, पढ़ने के अलावा ये भी जरूरी है कि अपने हक के लिए आगे आना है। हम कह रहे हैं आप कितना पढ़ते हैं, मतलब समय से पूरा नहीं होता, आगामी भर्ती से बाहर होते हैं, तो आपकी पढ़ाई किस काम की और डीएलएड की डिग्री किस काम की है बताइए। तो इसके लिए मतलब आप प्रयास करिए, ये ना सोचिए अभिषेक जी ये प्रयास कर रहे हैं तो हम नहीं कर रहे हैं। अपने लिए लड़ो, आज एक दिन लड़ोगे आगामी भर्ती में शामिल होगे, सहायक अध्यापक बनोगे। भैया पूरा मीडिया लेटर वायरल भी किया गया, और भी साथी देखिए प्रयास करिए, प्रयास करेंगे तभी कुछ होगा। भाई कब तक उम्मीद प्रमोट के लिए है, लेकिन सचिव जी के भरोसे मत बैठिए। सचिव जी से अभी भी मेरी वार्ता हुई है, पूरा 7-6 मैं बात किया हूँ, सचिव जी कहें कि अभी तक हम नहीं भेजे हैं, बस भेजेंगे। आप लोग लगातार फोन करते रहते हैं, नहीं भेजेंगे मतलब डेली इधर उधर की बातें करते हैं। तो पीएनपी का मतलब पुराना रवैया है कि लेट कराना, वही देखिए और चीजें हैं प्रमोट किया जा रहा है, और हम लोग मान लो पेपर देने के लिए भी तैयार होते, कैसे इस महामारी में कैसे पेपर देंगे। अगर मेरा कोई साथी कोरोना पॉजिटिव पाता इसका जिम्मेदार कौन होगा? पीएनपी अगर जिम्मेदार होती हम लोग पेपर देने के लिए तैयार हैं। सरकार जिम्मेदारी ले, लेटर पे लिख के दे कि अगर हमारे किसी भी साथी कोरोना पॉजिटिव पाया गया तो हम जिम्मेदारी लेते हैं। अगर ऐसा करती तब हम लोग पेपर देने के लिए तैयार हैं, अगर सरकार ऐसा नहीं करती हम लोग पेपर नहीं देंगे। हमारी संख्या 1.5 लाख के करीब है, हम लोग COVID-19 वैश्विक महामारी की होने की वजह से कोई धरना प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, सरकार इसका फायदा ले रहा है जी। अगर हमारे हक के लिए अन्याय हुआ हम लोग सड़कों पे उतरेंगे, हर चीज करेंगे। हमारी संख्या 1.5 लाख के करीब है, सरकार को हमारे हक देने पड़ेंगे। भाई कोई गरीब प्रशिक्षु 1.5 लाख 2 लाख लगा के पढ़ रहा है, अगर वो आगामी भर्ती और सेमेस्टर समय पर नहीं कर पाएगा आगे कैसे उसकी पढ़ाई होगी आप बताइए। आदमी एक बार जैसे लोन लेके 1.5 लाख 2 लाख पढ़ता है, दोबारा लोन लेके कैसे पढ़ेगा। वक्ता हो चाहे प्रचार हो, समय पे टीचिंग लगे, क्योंकि COVID-19 वैश्विक महामारी में कैसे हम लोग ऑफलाइन टीचिंग करेंगे। करके योजना ना, आप भी कहीं भी रहें आप वहाँ के आसपास के बच्चों के ग्रुप बना के पूरे उसके नियम है उसके अनुसार पढ़ाई करिए, पढ़ाई कराए तो आपकी टीचिंग मान्य होगी। हर जगह जैसे चंदौली डायड में लग गया है, एटा डायड में लग गया है, प्रयागराज डायड में मैं बात किया हूँ प्रचार जी से, और डायड के बाबू से भी बात हुआ, तो वहाँ भी टीचिंग जल्द लगने वाली है। बाकी जिस डायट में टीचिंग नहीं लगी आप लोग लगवा लीजिए, और हमारा लोग सत्य पूरा ही हो गया, केवल अब पेपर बचा है। थर्ड सेमेस्टर उम्मीद है प्रमोट होने के, लेकिन आप लोग पेपर में मतलब लगातार संघर्ष करते रहिए। जिस दिन सफलता नहीं मिल जाती तब तक हमको रुकना नहीं है, अगर हम रुक जाते हैं सरकार उसका फायदा लेगा। चाहे टीवी हुआ, हर जगह कहीं भी किसी भी तरीके से आप काम कर रहे हैं करते रहिए। आपके बीच जो भी संपर्क में हो, चाहे न्यूज चैनल वाला वहाँ डिबेट करिए और वहाँ तक उनकी बात पहुँचाइए, चाहे ट्विटर हुआ, हर अभियान में जुड़िए। थोड़ा पढ़ने के साथ ये भी जरूरी है चीज। तो देखिए सब अपना योगदान दीजिए, फिर से कह रहे हैं पढ़ने से ज्यादा जरूरी है कि आगामी भर्ती में हम लोग को शामिल होना। सेमेस्टर एग्जाम समय पे नहीं होता है, तो बहुत चीजें आप लोग की भविष्य अंधकार की तरफ है, इसके लिए आप लोग जागिए और काम करिए। आप उन्हीं के भरोसे बैठ जाइए, क्योंकि आपका भी तो हक बनता है, आप भी तो भविष्य में आगामी अध्यापक बनेंगे, संघर्ष कर लेंगे भविष्य उज्जवल हो जाएगी। मतलब टीम काम कर रही है, आप लोग से भी प्रमोट के लिए सुझाव मांगा गया है। किसी भी जितने भी लाइव देख रहे हैं आप लोग भी सुझाव दीजिए, आप लोग